हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस। तो आज जो है हम रसायन विज्ञान कक्षा 12 के महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियों का पहला वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम डाई एथिल ईथर नाम के प्रयोगशाला विधि का अध्ययन करेंगे। डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला ये बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रयोगशाला विधियों में से एक है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसी होती है और इसे प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, और इसके विभिन्न रासायनिक समीकरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। और अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे डाई। डाई का मतलब क्या होता है? दो। एथिल का मतलब होता है C2H5। मेथिल को कहा जाता है CH3। एथिल को कहा जाता है C2H5। ऐसे ही प्रोपिल को कहा जाएगा C3H7। CH3 का मतलब होता है मेथिल, C2H5 का मतलब होता है एथिल, एथेन से एथिल बना, और C3H7 का मतलब होता है प्रोपिल। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? ईथर का सूत्र होता है ROR। तो R का मतलब यहां पर होता है एल्किल समूह। R का मतलब एल्किल समूह से होता है। ठीक है, तो एल्किल समूह में सबसे पहला जो आता है हमारा श्रेणी में वो है मेथिल। एल्किल समूह में क्या आता है? मेथिल, और दूसरा एथिल, तीसरा प्रोपिल। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। डाई एथिल की बात हो रही है, एथिल का मतलब होता है C2H5, और डाई की बात हो रही है यानी एथिल ग्रुप कितनी बार आया है? दो बार आया है। और ईथर का मतलब जब दो सी के बीच में ओ आ जाए तो उसे ईथर कहते हैं। जब दो सी के बीच में ओ आ जाए, ओ को कहा जाता है ईथर। ओ को क्या कहा जाता है? ईथर। ठीक है ना, तो ये हमारा एथिल है C2H5, क्योंकि दो बार आया है तो इसे क्या कहेंगे? डाई एथिल। और ओ को क्या कहा जाएगा? ईथर। तो डाई एथिल ईथर का जो सूत्र होता है वो होता है C2H5O C2H5। इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि कैसी होती है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले लिया जाता है एथिल एल्कोहल। C2H5 को कहा जाता है एथिल। OH अगर जो C के साथ आता है तो एल्कोहल, किसी धातु के साथ आता है तो हाइड्रोक्साइड। तो C2H5 को क्या कहा जाएगा? एथिल एल्कोहल की क्रिया हम सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। H यहां पर कितने हैं? दो है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं HHSO4। ठीक है, इसकी क्रिया हम 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराएंगे। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। सांद्र H2SO4 को एथिल एल्कोहल के साथ 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो H2SO4 यहां से जल लेकर के निकल जाएगा। तो यहां पर क्या निकल जाएगा? H2O। बचा क्या है यहां पर? C2H5। इधर क्या बचा? H बचा, और क्या बचा? SO4। एथिल को, C2H5 को क्या कहा जाता है? एथिल कहा जाता है। H का मतलब, H का मतलब बाई या फिर हाइड्रोजन होता है। H का मतलब बाई या फिर हाइड्रोजन, दोनों हो सकते हैं, बाई भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। SO4 को कहा जाता है सल्फेट। तो ये सूत्र बन गया हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसकी क्रिया पुनः एल्कोहल पे एथिल एल्कोहल से कराएंगे तो C2H5HSO4 की क्रिया पुनः हम C2H5OH से कराएंगे यानी एथिल एल्कोहल से कराएंगे। सेम वही, यहां पर तापमान थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा। जब गर्म करेंगे
तो यहां से हम क्या करेंगे, H लेकर के, यहां से H लेकर के और यहां का HSO4 जो लिया गया था निर्जली कारक के रूप में उसे हम बाहर कर देंगे। यहां का एक एच, यहां का एक एच, ये बन जाएगा हमारा H2 और क्या निकल रहा है, SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और बच क्या रहा है, यहां पर बच रहा है C2H5O, यहां का बच रहा है और यहां का क्या बच रहा है C2H5। और इसमें एथिल ग्रुप कितनी बार आया है, दो बार आया है, तो इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे, डाई और एथिल, C2H5 को एथिल कहा जाता है और क्योंकि इनके बीच में ओ आया है तो ओ को कहा जाता है ईथर। तो ये होती है प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि। एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर प्राप्त यौगिक को पुनः एथिल अल्कोहल तथा सांद्र H2SO4 को गर्म करके जो प्राप्त यौगिक होता है, जो यौगिक प्राप्त करते हैं उसकी क्रिया पुनः एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो H2SO4 वापस निकल जाता है और जो नया पदार्थ बनता है उसका नाम डाई एथिल ईथर होता है। नोट में यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो डाई H2SO4 है, यहाँ पर H2SO4 यानी यहाँ H2SO4 क्या किया है, जल निकालने का कार्य किया है। जल निकलने का मतलब होता है निर्जलीकरण, और जल कौन निकाल रहा है, H2SO4, तो इसलिए H2SO4 इस अभिक्रिया में निर्जली कारक का कार्य करता है। यहाँ H2SO4 निर्जली कारक का कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए इसके हम चित्र के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसका चित्र कैसे बनता है देखते हैं। तो ये जो हमारा चित्र है ये डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का है। इस चित्र को पहले हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें लगी हैं इस चित्र को बनाने में, फिर आगे हम देखते हैं। ये हमारा है आसवन फ्लास्क और इसी में सांद्र H2SO4 की मात्रा ली गई है। इसे जो है या तो बालू उष्मक पर रखेंगे या तो जल उष्मक पर, यानी या तो पानी में रखेंगे, पानी गर्म पानी, मतलब पानी में रखेंगे और नीचे से पानी को गर्म करेंगे तो वो हुआ हमारा जल उष्मक। यदि हम इसे किसी बालू में रख दें, यानी कढ़ाई में जैसे बालू रख दें और फिर उसके बाद ये आसवन फ्लास्क को रख दें, ऐसे हो बनता है। ये क्या है, इसमें क्या लिया गया, बालू उष्मक, दो ही होंगे या तो बालू उष्मक या तो जल उष्मक। इसमें क्या लिया गया, बालू उष्मक, बालू को गर्म करके इसे गर्म किया जा रहा है, ठीक है। और इसे किस पर रखा गया है, तारों की जाली पर, वायर गार्ड, और नीचे क्या लगा हुआ है, बर्नर, ठीक है। और ये है स्टैंड, इसके द्वारा जो है ये तारों की जाली और ये आसवन फ्लास्क को रोका गया है। और उस पर ऊपर क्या लिया गया है, ये है थिसिल फनल, थिसिल फनल के द्वारा, इसके द्वारा यानी थिसिल फनल में जो है एथिल अल्कोहल रखा गया है और इसे बूंद बूंद करके हम फ्लास्क में गिराते हैं। इसी फ्लास्क में अभिक्रिया होती है ये, और जो डाई एथिल ईथर निकलता है द्रव जो कि जल अल्कोहल से हल्का होता है, ये कार्क यहां लगी है, कार्क के द्वारा क्या लगाया गया, संघनित। तो डाई एथिल ईथर जो होती है संघनित्र में आती है। संघनित्र का काम क्या होता है, संघनित्र में ठंडे जल को डाला जाता है और गर्म जल को वापस निकाल लिया जाता है, ठीक है, गैसों को या द्रवों को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। और इसे एक स्टैंड पर रखा गया है और संघनित्र से जोड़ दिया गया एडाप्टर, एडाप्टर को हम सीधे किस में ले जाते हैं, ग्राही में, ये ग्राही है हमारा, और ग्राही को हम बर्फ के ऊपर रखे हुए हैं, यानी जो जल है उसी में क्या घुल जाती है, डाई एथिल ईथर की जो द्रव है वो मिल जाती है। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, इस विधि में प्रयुक्त उपकरण चित्रानुसार व्यवस्थित है। एक आसवन फ्लास्क में, ये आसवन फ्लास्क में सांद्र H2SO4 लेकर फ्लास्क को गर्म कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बर्नर द्वारा, और जबकि थिसिल फनल द्वारा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल की बूंदे ड्रॉप बाई ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके गिराते रहते हैं। जैसे इसमें एथिल अल्कोहल आएगा, अभिक्रिया करेगा H2SO4 से, अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, डाई एथिल ईथर का, तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप डाई एथिल ईथर द्रव की वास्ते यहां से निकलेंगे फ्लास्क से, संघनित्र में ठंडी हो करके एडाप्टर के द्वारा बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर ली जाती है। तो इस विधि में प्रयुक्त उपकरण चित्रानुसार व्यवस्थित है।
एक आसवन फ्लास्क में सांद्र H2SO4 लेकर फ्लास्क को गर्म करते हैं तथा थिसिल फनल द्वारा C2H5OH को बूंद बूंद करके गिराते रहते हैं इसके द्वारा अंदर। फिर अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप डाई एथिल ईथर द्रव की वाष्पे संघनित्र से ठंडी होती हुई एडाप्टर की सहायता से बर्फ में रखे ग्राही में एकत्रित कर ली जाती है। तो ये होता है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में दो रिएक्शन है, एक तो HI के साथ रिएक्शन होती है इसकी और दूसरी एसिटल क्लोराइड के साथ होती है और जो तीसरी है वो PCl5 के साथ होती है। इसमें टोटल तीन ही इसके रासायनिक गुण हैं, तो वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं हम तो आज केवल अपना जो महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है उसी के बारे में बता रहे थे। तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर।